गया जो शैतान है उसे तो परमेश्वर ने ही बनाया था वॉज रूलिंग दर्ल्ड वो संसार पर राज्य कर रहा था वन थर्ड ऑफ द यूनिवर्स और यहाँ तक की एक तिहाई संसार पर वो राज्य किया करता था बिफोर मिलियंस ऑफ इो

और उसमें घमंड आ गया और वो तो निश्चय ही आराधना करने से वो तो वहां पर इनकार करने लगा उसने बलवा कर दिया उसने सोचा कि वो तो परमेश्वर के तुल्य है So the Lord just drove him away. और इसलिए परमेश्वर ने उसे बस ऐसे ही निकाल दिया And destroy that world. और उसने उन सारे संसार को नाश कर दिया Only before 6000 years ago, Again, the Lord और और लगभग केवल साल पहले ही परमेश्वर ने इन सारी बातों को मानो फिर से नया बना दिया and created Adam and Eve like us. और उसने हमारे जैसे ही आदम और को बनाया But when Satan enters, लेकिन जब शैतान प्रवेश करता into है this mankind's life, इस मनुष्य के जीवन में जब वो आता है and he start to destroy every person, और वो तो मानो हर एक व्यक्ति को नाश करने लग जाता this है माइटी वेपन इस डेथ। देखिए उसका सबसे बड़ा जो सामर्थ्य हथियार है वो तो केवल मृत्यु ही है। He is the author of death। और वही तो मृत्यु को बनाने वाला है। He is a liar। वो एक झूठा है। He is subtle। वो तो बहुत ही धूर्त है। He is a deceiver। वो तो धोखा देने वाला है। He is a killer। वो तो हत्या करने वाला है। वो तो हत्यारा है देखिए एक दिन लेडी प्रेयर एक जवान बहन मेरे पास में प्रार्थना करवाने के लिए आई एंड स्क्रीमिंग और वो तो बस चीख चीख कर चिल्ला रही थी हमने हर तरह से कोशिश की कि उसे शांत कर दे हमने हर तरह से कोशिश But की लेकिन वो शांत नहीं हो रही थी मेडिकल वे और साइकोलॉजिकल मैनर Everything. उन्होंने मेडिकल के तरीके से यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल तरीके से हर एक बात से कोशिश की थी Nothing works. देखिए कुछ भी काम नहीं करता है At last, और अंत में slowly I calm down. और yeah. धीरे धीरे मैं वहां पर उसे शांत करने लगा और फिर And मैंने Oscar, उससे पूछा कि क्या बात है She just, with a eyes, to उसने बस आंसू बहा बहा कर मुझे इस तरह से प्रत्युत्तर दिया उसने मुझसे कहा उसने मुझसे रोते हुए कहा अंकल अंकल आई मेरे सात भाई हैं एंड थ्री सिस्टर और मेरी तीन आवर एक एक फैमिली और उसने हमारे परिवार के विरुद्ध में कुछ तो भी कहा एवरी हर एक साल फेबर फर्स्ट ट्यूसडे फरवरी के पहले मंगलवार के दिन हर साल वन ऑफ यूल तुम में से एक बच्चा मारा जाएगा। सेम थिंग स्टार्ट और बिल्कुल वैसे ही होने लग गया फर्स्ट माई डैड डाइट सबसे पहले मेरे पिताजी मर गए When I was just four years old, तब केवल चार साल की थी then my mom died. और फिर उसके बाद मेरी माँ मर गई and one after the other.

मेरे भाई और बहन एक तो एक्सीडेंट के कारण मर जाते थे या फिर बुखार या फिर ब्लड कैंसर के कारण मेरे भाई और बहन एक एक करके इसी तरह से मरने लगे आई जस्ट अराइवरी फर्स्ट और आज यहाँ पर फरवरी महीने की पहली तारीख है सो स्टिल मोर ओनली डेज और बस अभी मेरे पास तीन और दिन बाकी है oh, the devil is शैतान आ रहा है And she was screaming. और वो बस चीखने लग गई थी वो बस चिल्लाने लग गई थी Then I rebuked the chanting. और फिर मैंने उस चिल्लाने को उस बात को डांटा मैंने उसके पीछे बिहाइंड को देखा crush you right now. यीशु मसीह का क्रूज पर चढ़ाया गया शरीर और यीशु मसीह का जो लहू है अभी इसी समय तुम्हें कुचल दे लूसीफर से भाग गया और right. और वो वो छोटी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। गई आज उसने अपने मेडिकल की की पढ़ाई पूरी है और वो एक बन गई है। एक डॉक्टर बन यानी शैतान जो है वो तो हत्यारा है यीशु क्रूस पर मरा। कि उस दुष्ट को कुचल दे उसे पूरी तरह से हरा दे and also the thrush उसे नाश कर देसर so ना निश्चय दूसरे लोगों के लिए जो क्रूस का संदेश है वो तो पूरी तरह से मूर्खता जैसे दिखाई देता है But for us, लेकिन हमारे लिए it's the power ये परमेश्वर की और फिर, When you just the of Jesus on the cross, और जब हम यीशु मसीह के क्रूस के उस व्यक्तित्व को देखते उस पर गौर करते चले जाते What's हैं happened? तो फिर क्या होता When है died, जब वो मर गया

He था। abstain from everything. और उसके पहले उसे हर एक बात से परहेज करनी थी अपने आप को शुद्ध रखना था But now, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के द्वारा Jesus made मेरा ओपन डोर फॉर एवरीबॉडी यीशु ने सभी के लिए खुला द्वार कर दिया वी ऑल कैन रीच God. अब हम सब परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। We can all see the heavens. हम स्वर्ग को देख सकते हैं

यहाँ तक कि जो तंबू का जो वाचा का जो संदूक था वो तो निश्चित लोगों की याद में से भी हटा दिया जाएगा। to to उसके पहले तो हमें उस महापवित्र तंबू में जाना था लाइक like और हमारे जैसे जो साधारण से लोग थे उन्हें तो बाहर खड़े रहना पड़ता था। लेकिन अभी down, कोई भी व्यक्ति जहाँ भी अपने घुटने टेकता है मसीह के द्वारा वो पिता के पास में जाना पड़ेंगे क्रॉस क्रूस पर उसका जो सताव हुआ था उसे याद करता है डिजायर तो द और वो तो पिता की इच्छा और पिता के विचारों को निश्चय ही समझ सकता है और वो प्रभु की ओर से सुन सकता है जैसे एक मनुष्य दूसरे से बातें करता है वैसे वो उससे बात कर सकता है मित्र के जैसे मित्र से बातें कर सकता है गिनती अध्याय 12 वचन 8 ये कहता है देखिए जनवरी के महीने में वन मिस्टर बालरास कॉल मी इन द फोर एक बार मिस्टर पाल राज ने मुझे फोन किया He was the only son of mother Esther. और वो तो उनकी माँ एस्तर का इकलौता बेटा था. They were very good in spiritual and everything. और वो आत्मिकता में और हर बात में बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे. And Paul Raj recently got married. और Paul Raj की तो अभी हाल ही में शादी हुई थी. And his थी। wife was already three months. और बस उनकी पत्नी तीन महीने की गर्भवती थी लेकिन फिर अचानक अचानक ऐसा हुआ कि उनकी मां के अंदर में रीनल फेलियर बढ़ने लग गया और पेट का रक्त संचार रुकने लगा और वो यूरिन भी नहीं कर पाते थे बहुत मुश्किल होती थी और यहाँ तक कि मोशन में भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी उन्हें कुछ भी नहीं पचता था और उनके दिल में भयानक दर्द होता था to to और कई बार वो हॉस्पिटल में जाते थे और वापस आती थे। और कुछ भी काम नहीं कर रहा था एट लास्ट और फिर अंत में, हॉस्पिटल उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया अंदर देविंग और वहाँ उन्हें बताया गया कि आपकी माँ एस्से अभी मरने पर है उनकी जो दिल की धड़कन है वो घटती जा रही है एक मिनट में केवल सत्रह बार ही उनका दिल धड़क रहा है तो मिनट में बहत्तर बार धड़कने के बजाय उन्होंने कहा आपकी माँ का दिल काम करना बंद कर so रहा है me. तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने प्रार्थना की फिर डॉक्टर रवि जो की मेरे अच्छे दोस्त भी है और साथ साथ में मेरे आत्मिक बेटे भी है उन्होंने उनके दिल की धड़कन को जांचा और पाया की ये तो एक मिनट में केवल

और उनका बेटा मेरे सामने रोने लग गया Why ये सब कुछ क्यों हुआ? And I was also और मैं भी वहाँ पर बहुत ही परेशान हो चुका था Three or four times I तीन चार बार मैंने प्रार्थना की, लेकिन कुछ भी नहीं so I want हुआ। to know the Lord's will. तो मैं प्रभु की इच्छा जानना चाहता चाहती इस तो बहुत ही धार्मिक ऐसी महिला थी बहुत अच्छी महिला थी थी और उनके ऊपर में तो पेंटिकॉस्ट का अभिषेक भी था She was going to Pentecost वो तो पेंटिकॉस्टल चर्च में जाती थी She led a very holy life. वो बहुत ही पवित्र जीवन जीती थी Then why this thing तो फिर ये सब कुछ क्यों हुआ? हालांकि उसकी उम्र तो कोई ज्यादा नहीं हुई थी so night, उस रात आई वॉज नॉट एबल टू चैन से सो नहीं पाया bed, और जैसे मैं अपने बिस्तर पर करवटी था, मैं पिता की इच्छा को जानना What चाहता I था था you know, और जानते मैंने मैंने क्या किया क्रूस पर यीशु मसीह का जो सारा दुख था, उन सारी बातों को मैंने याद was करना शुरू किया वो तो क्रूस पर एक जख्मी यीशु के रूप में मानो मेरे सामने खड़ा था मैं उसके इतने दुखों को देख सकता Him like that. मैं कभी उसके पास में इस तरह से नहीं गया कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ मैं भविष्य वक्ता हूँ या फिर मैं प्रेरित हूँ उपवास तो कर रहा हूँ या फिर बड़ी पीड़ा के साथ में दर्द के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ like या फिर परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं दान दे रहा हूँ कभी मैं इस तरह से कहते हुए परमेश्वर के सामने नहीं जाता हूँ But simply start to cry. और मैं तो बस वहाँ पर रोने लग गया और बस रोते रहा And seeing the wounds of Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह के जख्मों को देखने That's लगा all. बस इतना ही the heavens open. और स्वर्ग दूत मेरे बेडरूम में आ गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया Regaining my strength. अपने बल को वापस पाने लगा I मैंने स्वर्गदूतों के बीच में यीशु को देखा। death, जो कि मृत्यु के इन सारे बंधनों के ऊपर में निश्चय ही जैवंत होकर राज्य करता है me, और यीशु ने मुझसे कहा दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स और ये तो इन शारीरिक बातों के कारण नहीं हुआ ये उससे नहीं हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ द कर्स ये तो केवल श्राप के कारण हुआ है This Happens because of the curse. तो She was serving me truthfully। तो से से But another man। लेकिन दूसरे मनुष्य ने thought by everybody he is a God's man। जबकि दूसरे सभी लोग इस तरह से सोचते थे कि ये तो भक्तिपूर्ण व्यक्ति है परमेश्वर का जन है तार। तार। उसने अपने आप को इस तरह से दिखाया ऐसा दिखावा किया कि वो तो मानो परमेश्वर का बहुत ही पवित्र ऐसा सेवक है Went to fortune us, और वो ज्योतिष के पास में गया जो भविष्य बताते थे and used to tell all the prophecies, और वो तो जाकर सारी भविष्यवाणी बताया करते in the church, थे चर्च चर्च की भविष्यवाणी और उसका जो जीवन था वो तो बहुत तरीके से बिल्कुल अनैतिक तरीके का जीवन था और वो तो इस जवान पॉलराज के साथ बुरा संबंध रखता था जबकि वो केवल नौ साल का था। मैसेज इन टेलीविजन जब इस छोटे लड़के ने टेलीविजन पर मेरा संदेश सुना, sin. उसने इस बात को जाना कि इस तरह से पुरुष के साथ में संबंध रखना ये तो पाप है और एक छोटे बच्चे के रूप में वो रोने लग गया And to that man, और उसने उससे कहा आई विल नॉट कम विद यू एनी मैं अभी इसके बाद तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा डिस्ट्रॉइंग माई मॉरल एक्टिट्यूड तुम मेरे नैतिक सम्मान को नाश कर रही हो And he और उसने उससे पश्चाताप किया और फिर उसके बाद में आगे जाकर उनकी शादी भी हो गई so that man was so angry कि वो व्यक्ति उस समय तो इतना गुस्से में आ गया था और उसने सारे श्राप इस पर भेज दिए so he kind of क्योंकि जब माँ को पता चला कि इस तरह की गंदी बातों के साथ में उसके बेटे के साथ में बुरा व्यवहार हुआ है तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया था और इसीलिए उसकी माँ बहुत ही गुस्से में आ प्लेस और इसलिए माँ उस जगह में चली And गई और उसने उस मनुष्य पर बहुत चिल्लाया और उसे बहुत क्रिस्टियन तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि तुम एक विश्वासी तुम विश्वासी नहीं हो यू आरो तुम एक बहुत ही गंदे व्यक्ति हो गॉट so एंग्री और इस कारण उसे गुस्सा आ गया The charming against him. और उसने उसकी मां के विरुद्ध में इस तरह सब कुछ मंत्र कहना शुरू Saying that will die within 10 days. और ये कहा कि तुम बस दस दिनों में मर जाओगी। Every day, हर एक दिन that man cruelly watched this lady. हर एक दिन वो व्यक्ति क्रूरता से इस बहन को देखा करता था not कि वो मर गई है या नहीं she was really dead he was so happy and jumping और जब उसने ये सुना कि ये तो सच में मर गई है तो वो उस समय बहुत ही खुश हुआ और वो कूदने लग गया and jesus just ask me और यीशु ने उस समय मुझसे कहा my son मेरे बेटे, what is justice न्याय क्या है i was standing before him like this मैं उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था and i replied to him और मैंने उसे इस तरह से जवाब दिया बेचारी गरीब माता एस्टेर, बेचारी एस्टेर, She stood for वो तो धार्मिकता के लिए खड़ी रही बेटा वो नहीं जानता था कि ये पाप मैन यूज टू गिव मानी क्योंकि ये मनुष्य तो उसे पैसा देता था They very poor. वो बहुत गरीब थे But now he लेकिन अब उसने पश्चाताप किया है प्लीज हैव कंपैशन इस पर करुणा कर प्रभु जीसस सेड और यीशु ने कहा यस yes, हाँ। आई विल गो टू हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा रेस ऑफ द डेड बॉडी और उस मुर्दे को जिंदा कर दूंगा शी वाज डेड बाय 8 पीएम और वो तो शाम के आठ बजे मर चुकी थी एंड रिसन फ्रॉम डेथ बाय द लॉर्ड जीसस एट 5 एएम और सुबह-सुबह पांच बजे के समय प्रभु यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जीवित किया प्रभु ने उसे फिर जिंदा कर दिया okay. वो अभी ठीक है वो तो मृत्यु के उस सारे बंधन से पूरी तरह से छुटकारा so, पाई है और इसीलिए क्रूसीकरण के द्वारा वी आर नाउ बिकमिंग हम तो अभी याजक हो जाते हैं कि हम यहाँ पर पुल पर खड़े रहकर दूसरों के लिए पुकार कर विनती कर सकते हैं देश के लिए देशों के लिए हम पुकार सकते हैं और निश्चय पिता को हम पुकार कर कह सकते हैं कि दूसरों के और साथ साथ में हमारे भी पापों को वो क्षमा कर दे ऐसे विनती कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय एक वचन छे में देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय पांच वचन नौ so में देखिए देखिए आप में से हर एक व्यक्ति एक याजक हो सकता है याजक बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकता है और पिता परमेश्वर की इच्छा को जान सकता है then, और फिर पांचवी बात प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण उसमें सामर्थ है व्हेनेवर जब भी हमारे संदेशों में व्हेन वी सेंट्रलाइज द थीम ऑफ क्रूसिफिकेशन जब भी हम क्रूसीकरण के इस बात के ऊपर में जोर देते हैं उसको महत्व देते हैं उसे अपने संदेश का मुख्य भाग बनाते हैं तो चमत्कार होने लग जाते हैं हालेलुया रियल गॉड सर्वेंट देखिए हम सब लोग परमेश्वर के सेवक हैं नेवर प्रेज हिमसेल्फ उसने कभी खुद की तारीफ नहीं की बट इंसटेड हमें इसके बजाय क्या करना है यीशु को महिमा देती चली जाना है